हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। और ये वर्कशीट है 3 तारीख की, कक्षा 1 के बच्चों के लिए। वर्कशीट नंबर है 99। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। गणित एक मजेदार विषय है, हम इसे अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। गणित हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से में है। आइए हम इस शब्द में कुछ रोचक तथ्य पता लगाएं। कह रहे हैं कि गणित जो है वो क्या है, एक मजेदार विषय है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें हमें बहुत मजा आता है, ठीक है। और इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैथमेटिक्स। गणित हमारे जीवन के, मतलब हमारी लाइफ के क्या है, प्रत्येक हिस्से में है। अगर हम घर के बाहर जाएं, कुछ भी काम करें, हर जगह हमें गणित देखने को मिलती है, ठीक है। चाहे हम सामान खरीदें, चाहे हम कोई खेल खेलें, तो हमें हर जगह गणित देखने को मिलती है। आइए हम इस शब्द में कुछ रोचक तथ्य पता लगाएं। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्या। मैथमेटिक्स, ठीक है, ये रही मैथ्स की स्पेलिंग, आपकी गणित की स्पेलिंग इंग्लिश में मैथमेटिक्स। MATHEMATICS। अब लिखा है मैथमेटिक्स में अक्षरों को कहते हैं लेटर्स, की कुल संख्या। कुल संख्या मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कुल संख्या कितने हैं, 11। टोटल लेटर्स, टोटल अक्षर कितने हैं, 11। लेटर्स जो दो बार दोहराए गए हैं, तो अब दो बार कौन कौन से लेटर्स दोहराए गए हैं हमें वो देखने हैं। तो देखो, एक तो M है जो दो बार आया है, फिर एक A है जो दो बार आया है, फिर एक T है जो दो बार आया है। तो कितने ऐसे लेटर्स हैं, 3 ऐसे हैं। कौन कौन से 3 हैं, MTA, ठीक है। अगला है लेटर्स जो 3 बार दोहराए गए हैं। 3 बार कौन से दोहराए गए हैं, एक भी नहीं है ऐसा कोई भी जो 3 बार आया है, तो 0, कोई नहीं, ठीक है। कोई भी लेटर 3 बार नहीं दोहराया गया है। अब इन रोचक तथ्यों को कुछ अन्य अंग्रेजी शब्दों में देखिए और लिखिए। तो इन रोचक शब्दों का हम देखेंगे कि अंग्रेजी में कैसे इसे मैथ्स में हम यूज कर सकते हैं, अंग्रेजी के शब्दों को। ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, पर इनमें मैथ्स का क्या रोल होता है वो देखेंगे। पाइन एप्पल, ठीक है, ये रहा पाइन एप्पल, ये रही स्पेलिंग PINEAPPLE। लेटर्स की कुल संख्या, तो कितने अक्षर हैं, टोटल लेटर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए, 9। इंग्लिश में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हो गया 9। अगला, लेटर्स जो 2 बार दोहराए गए हैं। अब वो लेटर्स जो 2 बार आए हैं, तो देखे तो पी तो 3 बार आया है, पी नहीं लेंगे। आई 1 बार है, एन 1 बार है, ई आया है 2 बार। तो सिर्फ ई है जो 2 बार आया है, तो कितने लेटर्स हैं जो 2 बार आए हैं, 1, और वो कौन सा एक लेटर है, ई, ठीक है। अगला, लेटर्स जो 3 बार दोहराए गए हैं, तो 3 बार कौन कौन से आए हैं, सिर्फ पी आया है, 1, 2, 3। तो एक ऐसा लेटर है जो 3 बार आया है, और वो है पी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाइनएप्पल के क्वेश्चंस। अगला, ग्रैंड पेरेंट्स
ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, नाना नानी दादा दादी, उन्हें कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। लेटर्स की कुल संख्या, तो टोटल कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल लेटर्स कितने हैं, 12। लेटर्स जो दो बार दोहराए गए हैं, तो कौन से लेटर्स हैं जो दो बार आए हैं, जी तो नहीं आया है, आर, एक बार आर, दो बार आर। उसके बाद ए, एक बार ए, दो बार ए। उसके बाद एन, एक बार एन, एक बार और एन। उसके बाद डी तो नहीं है, पी भी नहीं है, ई भी नहीं है, टी भी नहीं है, एस, तो ऐसे कौन कौन से, आर ए एन। तो तीन लेटर ऐसे हैं जो दो बार दोहराए गए हैं, कौन कौन से हैं, आर ए एन, ठीक है। अब देखते हैं लेटर्स जो तीन बार दोहराए गए हैं, तो तीन बार कौन कौन से हैं, जी तो नहीं है, आर भी नहीं है, ए भी नहीं है, एन भी नहीं है, डी भी नहीं है, पी भी नहीं है, ए भी नहीं है, आर नहीं है, ई भी नहीं है, एन नहीं है, टी भी नहीं है और एस भी नहीं है। तो कितने हो गए, 0, ठीक है। कितने लेटर्स तीन बार आए हैं, 0, मतलब एक भी नहीं। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, लेटर्स की कुल संख्या, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो कुल लेटर्स कितने हैं, 18। लेटर्स जो दो बार दोहराए गए हैं, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा दो बार आए हुए लेटर्स को, M एक बार है, A एक, दो, तो A है जो दो बार आया है, फिर इसके बाद H, H तो एक दो से ज़्यादा बार है, इसे नहीं लिखेंगे, E, E तो एक बार है, N, N भी एक से ज़्यादा बार है, तो ये भी नहीं, D, D आया है दो बार, एक, दो। उसी तरीके से ये A को भी मैं गोला लगा देती हूँ। उसके बाद R, R तो एक बार है, S एक बार है, I, I आया है दो बार, ठीक है, N, N तो एक से ज़्यादा बार है, G, G एक बार है, H एक से ज़्यादा बार है, फिर बचता है O, O भी एक ही बार है। तो तीन ऐसे शब्द हैं, ऐसे लेटर्स हैं जो क्या हुए हैं, दो बार आए हैं, और वो कौन कौन से हैं, A, D, I। अब लेटर्स जो तीन बार दोहराए गए हैं उन्हें देख लेते हैं, मैं इसे हटा देती हूँ ताकि हम अच्छी तरीके से देख पाए। तो एक वालों को दे, तीन बार वाले देख लेते हैं, M नहीं है, हाँ H है तीन बार, एक, दो, तीन। इसी तरीके से E नहीं है, N है तीन बार, एक, दो, तीन। तो ये तीन शब्द हैं जो तीन बार आए हैं, सॉरी दो, तो ये दो शब्द हैं, वो कौन से दो हैं, H एंड N। तीन बार कौन से लेटर्स आए हैं, H और N, ये कितनी संख्या हो गई, एक, दो, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, अब देख लेते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। और अभिभावकों के सुझाव से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम में आए लेटर्स की कुल संख्या गिनने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप क्या करेंगे, मम्मी पापा अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, जैसे अपने दोस्त का नाम लिख लो नेहा,
फिर आपने देखना है कि उसमें कुल कितनी संख्या आई, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से मम्मी पापा का, अपना और उसमें देखिए कुल संख्या कितनी है। और कोविड से बचने के लिए मैसेज, मास्क पहनकर रखेंगे, बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर पहनेंगे, ठीक है। और अगली वर्कशीट मिस ना हो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।